अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अरशद कटिहार से ये सवाल करते हैं कि वहाबी देवबंदी के होटलों पर जा कर के चाय पीना, नाश्ता करना वगैरह ये कैसा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारे में वजाहत करूँगा। आपसे गुजारिश है कि क्लिप को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। शरीयत मुतहरा ने तमाम फ़िरक़ाए बातिला से दूर रहने का हुक्म अता फरमाया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हम उनके करीब होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाम को वो लोग गुमराह कर दें। अकायद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीक़े का वो अकीदा रखते हैं, कहीं इनके दिलों में भी वो अकीदा रासिख ना हो जाए। इसलिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि इनसे दूर रहा जाए। अकायद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, कि तुम इनसे दूर रहो और इनको अपने आप से दूर रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें गुमराह कर दें और तुम्हें फितने में डाल दें। तो इसलिए सबसे पहले तो हुक्म यही है कि इनसे दूर रहा जाए। रही बात यह कि इनके होटलों में चाय पानी पीना कैसा है, तो आप याद रखें कि अगर वहाँ पर कोई दूसरे होटल ना मैसर हों तो आप इनके होटलों में जा कर के चाय पानी नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। हाँ, जो ज़बीहा इनका है इसको खाना नहीं चाहिए, इससे उलमाए किराम ने मना फरमाया, फुकाए किराम ने मना फरमाया है। चाय पानी नाश्ता की जहाँ तक बात है कि चाय पी लिया, बिस्किट खा लिया, पानी पी लिया, तो ये चीज़ें जो हैं आप पैसा दे करके इनके यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता आपको इनसे बचने का हुक्म है। बचने का इस तरीके से होगा कि अगर दूसरे होटल वहाँ पर मैसर ना हो तो आप इनके होटल पर जाएं, इनको पैसा दें और अपनी ज़रूरत को पूरी करके आप वहाँ से आ जाएं। इस तरीके का हुक्म शरीयत मुतहरा ने आपके लिए लाजिम किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो हमारी वेबसाइट है masailworld.com, आप वेबसाइट पर जाएँ और अपने मसाइल को, जो भी आपको ज़रूरत के मसाइल हों, वहाँ पर मुताला करें और अपने इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।